एमपी से हैं नीरू रावत, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। हाँ जी, और ये कह रहा हूँ मेरी बच्ची है 24 साल की जी, सोरायसिस की उसको बताएं प्रॉब्लम है, करीब 6-7 साल से बहुत इलाज कराया मैंने उसका, तो उसको बताएं कहीं पे भी नहीं आराम हुआ। कुछ मेरा नुस्खा दिया आपने उन्हें? अभी तक तो नहीं लिया, मतलब या कोई आपका नुस्खा नहीं लिया डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, भगवान पे भरोसा रखें और एक नुस्खा बहुत अच्छा काम करता है अगर आप समझ लें तो, और बहुत आसान नुस्खा है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये अलसी है, अलसी तो आप जानते ही हैं, अलसी को 400-500 ग्राम 600 ग्राम जितनी चाहे ले लें और उसको हल्का सा भून कर, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनें और फिर इसको पाउडर बना लें, ज़्यादा नहीं भूनना है। और एक आता है नमक जैतून, इसे आसान भाषा में कहते हैं नमक जैतून। ये फल है ना जैतून, जो खाड़ी के मुल्कों में पैदा होता है, जैतून का तेल भी आता है, जैतून का सिरका भी आता है, जैतून का नमक लेना असली, इसमें नकल भी आ गया है। अच्छा, ये बिल्कुल देखने में नमक जैसा ही लगता है, अगर आप देखोगे तो कहोगे तो नमक है, मैं भी यही कहूँगा, लेकिन जब मैं चखूँगा तो ये नमकीन नहीं होता, ये असली लें। और ये जो आपने ये बनाया है कल, अलसी को पाउडर बनाया है ना हल्का सा भून कर, ये आधा चम्मच लें और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आ जाए इसमें मिलाकर दिन में एक बार या दो बार, खाने के पहले खाने के बाद कभी भी लिया करें और सब्र करें, 1 महीने में अच्छा रिजल्ट की उम्मीद रखें। अच्छा, जो भी सोरायसिस के दाने और खुजली होती है उनको आप खुजाए नहीं, सहला लें ऐसे, नाखून से नोचे नहीं, तो ये नुस्खे से क्या होता है नए दाने निकलने बंद हो जाते हैं और पुराने ठीक होने लगते हैं। तेल लगा लें, अपना आप इनके खुरंट जो है ना इनका, वो अपना आप गिरने चाहिए, खुजाने से नहीं। सहला लें, तेल लगा लें, कुछ दिन बर्दाश्त करें, 6-7 महीने आप ये इलाज करें, मुझे उम्मीद है बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है।